विकास और बदलाव के इस क्रांतिकाल में कतिपय लोग भले ही अपने कुत्सित मंशा से समाज में वैमनस्यता पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, देश की एकता और अखंडता को चुनौती देना चाहते हैं, जाति और पंथ के नाम पर समाज में विष घोलने वाले ऐसे स्वार्थी तत्वों को झूठ छल और प्रपंच के सहारे षड्यंत्रों को हमें सफल नहीं होने देना है। अफवाह फैलाने वाले ऐसे नीच स्वार्थी तत्वों को हमें पहचानना होगा। एक जागरूक नागरिक होने के नाते हम अपने आस पड़ोस में घटित हो रही घटनाओं से अनभिज्ञ नहीं रह सकते। जो ताकतें आज हमारे देश के पड़ोस में मानवता को शर्मसार करते हुए अराजकता की दुंदुभी बजा रहे हैं, वही हमारे गांव, नगर और कस्बे के सामाजिक सौहार्द को भी मिटाने का कुचक्र रच सकते हैं। हमें इन विभाजनकारी ताकतों को पहचानना होगा, इनसे सावधान रहते हुए इनके कुत्सित प्रयासों को मुंहतोड़ जवाब देना होगा। स्वाधीनता आंदोलन देशवासियों से बलिदान की मांग करता था। स्वाधीनता सेनानियों के त्याग और बलिदान से स्वतंत्रता प्राप्त भारत, विकसित भारत बनने के लिए देशवासियों से सर्वश्रेष्ठ योगदान की अपेक्षा करता है। इस लक्ष्य को तय करने में प्रधानमंत्री जी का देशवासियों से पंच प्रण का आह्वान हमारा मार्गदर्शन करता है। हम सब नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के इस प्रधानमंत्री जी के संकल्प के साथ जुड़ करके नेशन फर्स्ट के उनके आह्वान के साथ जुड़े। हमें याद रखना होगा, पंच प्रण में प्रधानमंत्री जी ने जो पांच महत्वपूर्ण प्रण प्रत्येक देशवासियों के लिए 2047 में भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने और विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने का जो आह्वान किया है, उस आह्वान के साथ, उस संकल्प के साथ हम सबको इस बात को ध्यान रखना होगा कि इसे प्राप्त करने के लिए नागरिक कर्तव्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो जिस क्षेत्र में कार्य कर रहा है, अगर उस संकल्प की पूर्ति वह ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए कर रहा है, तो दुनिया की कोई ताकत, आज हम देश के 78वें स्वाधीनता दिवस में हैं, आगामी 23-24 वर्ष के उपरांत जब ये देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब हमारे पास एक ऐसा भारत होगा जो विकसित भारत होगा, जो भारत की उस समय की पूरी आबादी की सपनों को साकार करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। हर चेहरे पर खुशहाली होगी, हर एक नागरिक को सुरक्षा होगी, हर नौजवान के हाथ को कार्य होगा, हर अन्नदाता किसान के खेत को पानी होगा, हर महिला के सामने अपने उज्जवल भविष्य की योजना होगी। एक ऐसे भारत के निर्माण के लिए एक विकसित भारत आवश्यक है, और विकसित भारत के लिए राष्ट्र प्रथम के इस मंत्र के साथ हम सबको जुड़ना होगा। यही आजादी के 78वें दिवस की हम सबका एक संकल्प बनना चाहिए। आज के इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश पुलिस बल के जिन जवानों ने उत्तर प्रदेश के अंदर रूल ऑफ लॉ के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में अपना योगदान दिया है, वे सभी अभिनंदन के पात्र हैं। आज मुझे यहां पे अच्छा लगा जब मैं देख रहा था सांस्कृतिक कार्यक्रम, संस्कृति विभाग ने जो यहां प्रस्तुत कराया, इसमें देश के अंदर के अलग अलग राज्यों से, जिनमें उत्तर प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सांस्कृतिक टीम ने जो मंचन यहां पर किया है, यह एक भारत
श्रेष्ठ भारत की सांस्कृतिक धरोहर के रूप में हम सबके लिए एक नया आदर्श प्रस्तुत करती है। इन सभी अतिथियों का जिन्होंने उत्तर प्रदेश के स्वाधीनता दिवस के इस मुख्य आयोजन में आकर के अपना मंचन दिया है, इन सभी कला पारखियों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतर कानून व्यवस्था और सुरक्षा का माहौल देने के लिए हरनिश प्रयास करने वाले उत्तर प्रदेश के अपने सभी वीर जवानों को हृदय से उनको मैं बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पुलिस पदक के लिए जो हमारे 3 अधिकारियों का इस वर्ष हम लोगों ने चयन किया है, टीम ने सेलेक्ट किया है, उनमें श्री अनुराग आर्य वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली, श्री विपुल कुमार सिंह पुलिस उपाधीक्षक एसटीएफ लखनऊ, श्री अरुण कुमार हेड कांस्टेबल जनपद बिजनौर, इन्हें हम लोगों ने इस वर्ष उत्तर प्रदेश गृह विभाग की टीम ने मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा के सम्मानित करने का निर्णय लिया है। मैं इन्हें बधाई देता हूं और उत्तर प्रदेश के आज के इस आयोजन के अवसर पर मैं फिर से एक बार महान देशभक्तों के प्रति, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति, भारत माता के उन वीर सपूतों के प्रति जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए अपने आप को बलिदान किया है, उनका स्मरण करते हुए विनम्र उन्हें नमन करते हुए अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। जय हिंद। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपके कुशल मार्गदर्शन में पिछले 7 वर्षों में उत्तर प्रदेश सर्वांगीण विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है और अब आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस ऐतिहासिक विधान भवन के समक्ष आयोजित मुख्य आयोजन का अंतिम सोपान, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं, कृपया मंच के नीचे सामने ये जो तिरंगे गुब्बारे लहरा रहे हैं इनको आकाश में छोड़ें, स्वच्छंद विचरण करने दें और हम सबको ये गुब्बारे याद दिला रहे हैं कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, इस समय आज के इस मुख्य आयोजन के अंतिम चरण के रूप में तिरंगे गुब्बारों को आसमान की ऊंचाइयों की ओर रवाना कर रहे हैं। मैं चाहता हूं आप सब जो यहां मौजूद हैं इस तिरंगे के प्रति अपना सच्चा सम्मान व्यक्त करते हुए एक बार करतल ध्वनि के साथ तालियां बजाएं। मित्रों, ये गुब्बारे आसमान की ओर जा रहे हैं, अंग हैं तेरे तिरंगे रंग जो, चक्र का वैभव अतुल है संग जो, शक्ति सौरभ सत्य के मानक सदा, हरित हैं सुख शस्य श्यामल सर्वदा, लक्ष्य है गति का स्वयं गतिमान है, ध्वज नहीं तू राष्ट्र का सम्मान है। अपने देश के प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हुए 78वें स्वतंत्रता दिवस को पूरे उल्लास और उमंग के साथ मनाने के पश्चात उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी अब अपने अगले गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। आप सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की असीम शुभकामनाएं और हम सब मिलकर इस देश को, इस प्रदेश को प्रगति के पथ पर आगे ले जाएं।